एक बार चांस दे के जिताना जरूरी है 24 नंबर वार्ड से, जिसका निशान बैट है। आपसे ना 15 से 20 साल से मैं भी पुराना साथ में जो साथीदार हूँ, इनके साथ में थे इंशाल्लाह, इनके साथ लास्ट तक रहूंगा पूरा रूटीन तक। ये तो हमारे सामने के बच्चे हैं, ये लोग इनके वालिद साहब के जमाने से हमारे इनके ताल्लुकात हैं। एक नौजवान हमारे वार्ड नंबर 24 में, जैसा कि गुज़िश्ता पहले भी जो कारपोरेट रह चुके हैं मिर्ज़ा काजिम बेग, उन्हीं की तरह एक हरकियाती एक नौजवान जो इरशाद जैदी है, लिहाजा जो है हमारे महल्ले वालों की जानिब से, वार्ड नंबर 24 की जानिब से जो है ना इनको सपोर्ट किया गया है, इसलिए इनको इंडिपेंडेंट ठहराया किया गया है। हम उम्मीद करते हैं कि वार्ड नंबर 24 की अवाम इनको ज़्यादा से ज़्यादा वोट देकर कामयाब बनाएंगे, और ये हमारी तमाम वार्ड नंबर 24 की उम्मीदों पे पूरा पूरा खरा उतरेंगे, ये हमें उम्मीद है। इनके वालिद साहब भी जो है ना सियासी दौर से गुजरे हैं, वो भी कांग्रेस के एक हरकियाती कारकुन थे, वो भी एक जो है ना अच्छे सियासी रहनुमा रह चुके हैं, उनसे ज़्यादा अच्छे कदम इनके अच्छे हैं। जैसा कि गुज़िश्ता कोरोना में जो इनके कारनामे हुए हैं वो अवाम बाखूबी जानती है। लॉकडाउन में जैसा कि ऑक्सीजन का प्रॉब्लम हो गया, लोगों को दवाखाने में हॉस्पिटल्स में जो है ना बिस्तर का प्रॉब्लम हो गया, रात और दिन ये अपनी जान पर खेल कर इस नौजवान ने बहुत अच्छा काम किया है। लिहाजा हमारी दुआएं, हमारी दुआएं और वार्ड नंबर 24 के अवाम का साथ है, और हमारा पूरा पूरा इनका ताउन है इनके साथ। हम रात और दिन मेहनत कर रहे हैं, इंशाअल्लाह ताला हमारी इस मेहनत को अल्लाह ताला जो है ना कामयाब किया। इनके वालिद साहब भी कांग्रेस के माशाल्लाह महरूम मसर साहब जैदी बहुत अच्छे आदमी थे, और हलका नंबर 24 तो उस वक्त नहीं था, 26 कहलाया जाता था, तो उस वक्त जब भी जरूरत पड़ेंगी इनके वालिद साहब के पास हम लोग भी गए। आज अल्लाह का ऐसा करम हो गया कि भैया अब इनके साथ भी, इनके वालिद साहब के साथ भी थे और इनके साथ भी है। इंशाल्लाह मैं समझता हूँ हलका नंबर 24 में तकरीबन भारी अक्सर से जीतने वाले कैंडिडेट यही रहेंगे, क्योंकि पब्लिक में ना जो हमेशा रहते हैं, हमेशा हमेशा जब कभी भी ज़रूरत पड़े और ख़ासतौर पर बुलेट की ज़रूरत पड़े तो आधी रात को बुलेट इनके पास ही मिल जाता, किसी के भी लिए अमीर गरीब कोई नहीं देखते ना इनके साथ। अच्छा, आप एमआईएम के कैंडिडेट थे? जी हाँ बिल्कुल। विड्रा क्यों कर लिए? वो हमारी अपनी हालत ऐसी रह गई कि भाई हम आप सपोर्ट किसको कर रहे हैं आप? बिल्कुल यहाँ है ना भाई हमारे जी क्या हाँ। बिल्कुल हमारे भाई जो हमारे कोई ज्यादा नहीं, हम पहले ही बोलते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। सबसे पहले मैं अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ जो मुझे आज इस मुकाम पर लाया। मेरे एरिया वालों ने मुझे कहा कि आकर मुझे आप वार्ड नंबर 24 से इलेक्शन लड़े, तो उनकी बात को मैं लबायक कहकर इलेक्शन में अल्हम्दुलिल्लाह मेरा नॉमिनेशन हो गया। उसके बाद स्कूटनी की डेट थी, स्कूटनी मेरी ख़त्म हो गई, और मेरे पूरे डॉक्यूमेंट्स क्लियर होने के बाद आज मेरा पहली ऑफिस यहाँ पर हाजीवाड़ी नियर नबी कैफे के पास इफ्तिदा हुई है। मेरे साथ हाजी साहब हैं, हमारे मोल साहब हैं, सिराज साहेब हैं, बारी भाई कुरैशी हैं, ये तमाम लोगों की एक जुस्तजू मैं पिछले 4-5 दिन से देख रहा हूँ, जिन्होंने रात दिन मेरे लिए टाइम दे रहे हैं। इन्होंने मुझे देखकर नहीं, मेरे पिछले किए गए कारनामों को देखते हुए मेरा साथ दे रहे हैं, और मैं वार्ड नंबर 24 की आवाम से भी गुजारिश करता हूँ कि मुझे वोट दे। मैं मेरा वोट काम कर आपके पास आकर पूछ रहा हूँ, बल्कि आपके पास दूसरे लोग भी मेरे को छोड़कर और लोग भी आपके पास आएंगे। आप उनसे सवाल करिए कि आपने हमारे एरिया के लिए क्या डेवलपमेंट दिया है, आपने हमारे एरिया के लिए क्या काम किया है। पिछले एक साल से लॉकडाउन था, आप उस वक्त कहाँ पर थे? जो लोग जीते हैं उनसे सवाल करिए कि लॉकडाउन में हमारे घर में चावल खाने के लिए चावल नहीं था, पीने के लिए पानी नहीं था, वैसे टाइम आप लोग कहाँ थे? आपके पास ऐसे लोग भी आएंगे जिनके घर के आजू बाजू लोग को लोग सलाम नहीं करते थे, वो लोग को देखते नहीं थे, इंशर्ट करते थे, चले जाते थे सामने से। आज वो लोग भी मैदान में उतरे हैं, किस मेरे को समझ में नहीं आ रहा वो लोग किस बुनियाद पर अपना वो वोट मांग रहे हैं, किस बुनियाद पर नॉमिनेशन डाले हैं। तो खैर मैं इनकी उनकी बात नहीं कहूँगा। आने वाले दिनों में मैं आप लोगों से जो जो मेरे मैनिफेस्टो में मैंने कहा है इंशाल्लाह बाखूबी उसको निभा कर अगला इलेक्शन लड़ूंगा। तो अगर आप लोग मुझे कहेंगे हाँ तुम मैनिफेस्टो में ये चीज़ किए थे कि आप लोग वो पूरा उसको फुलफिल किए हैं, उसके बाद ही मैं वोट मांगने के लिए अगले बार इलेक्शन में आऊँगा, वरना मैं अगर कुछ काम नहीं करूँगा तो मैं इलेक्शन भी नहीं करूँगा। तो मेरा निशान है बैट। लोग बहुत सारे लोग कन्फ्यूजन हैं कि मुझे कई सारे पार्टीज के ऑफर्स आए थे,
कहीं सारे पार्टीज के बड़े बड़े लीडर्स मुझे बुलाकर कह रहे थे कि हमारी पार्टी से आप कॉन्टेस्ट करें, हमारी पार्टी से, लेकिन मेरे एरिया की आवाम का ये फैसला था कि आप इंडिपेंडेंट जाए, तो मेरा निशान भी अब आ चुका है जो बैट है। मैं खासकर मोमिनपुरे की आवाम, वार्ड नंबर 24 की आवाम से गुजारिश करता हूँ कि मुझे वोट देकर कामयाब करें। मेरे एरिया में डेवलपमेंट हुआ है, नहीं हुआ बोलकर नहीं, हुआ है, लेकिन कैसा डेवलपमेंट हुआ है, एक रोड नीचे उतरी तो एक रोड ऊपर चले गई, एक रोड एक नाली बनी एक नाली नीचे चले गई तो एक नाली ऊपर, जहाँ से पानी पास नहीं हो सकता। आप मेरे एरिया में ये देखिए कि 10 मिनट अगर बारिश आता है तो मेरे पूरे जितने मेरे लोगों के यहाँ पर घर आए उनके घर में पानी घुसता है, उनके घर घर के जो नाली जो ड्रेन है वो ड्रेन का पानी पास नहीं होता है। सबसे पहले मैं एजुकेशन के ऊपर, जो मेरे एरिया में एजुकेशन इंस्टीट्यूट नहीं है, इंशाल्लाह उसके ऊपर करूँगा। आंगनवाड़ी टीचर आंगनवाड़ी स्कूल्स हैं लेकिन वहाँ से जो जो फैसिलिटी अब तक नहीं मिली है उसको फुलफिल करने के लिए काम करूँगा। मोहल्ला क्लिनिक, सबसे पहले मोहल्ला क्लिनिक डालूँगा। जो गरीब लोग गवर्नमेंट हॉस्पिटल को जाते हैं, जो गरीब लोग प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर अपना बिल नहीं दे सकते हैं, वैसे लोगों के लिए एक मोहल्ला क्लिनिक आने वाले 5 साल में इंशाल्लाह खोल कर रहूँगा। इंशाल्लाह यह बात कमिश्नर के सामने उठाई जाएगी। जो जो मसले हैं कमिश्नर की आंखों में आंख डालकर बात करने की ताकत रखता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अगर मैं जीतूंगा तो ऐसा कोई ऑफिसर नहीं रहेगा जो काम नहीं करेगा। ईमानदारी से काम करना होगा मेरे वार्ड में, और मेरे लोगों को जो मेरे मोमिनपुरे के गरीब आवाम है उनको जो जो स्कीम आते हैं वो स्कीम पूरे उनको कर दूंगा। पिछले 8 साल से ये काम कर लेते आ रहा हूँ। मुझे आवाम फ़ोन करती है कि यहाँ पर ये प्रॉब्लम है, यहाँ पर वो प्रॉब्लम है, तो मैं उसको भी करते आता था। आने वाले दिनों में कोई शिकायत नहीं रखूंगा लोगों के सामने।